तो वो पिया, वफात पा गए। तो मजहूल क्यों इस्तेमाल होता है? तो फाइल का हो क्या होगा? तवफ्फाहुल्लाह, है ना, तवफ्फाहुल्लाह, इन्नी मुतवफ्फी का और राफ़िउ का इलैय, वहाँ तो उठाने के मायने में। तुम्हारे जो अभी दुनिया के दिन थे वो पूरे कर लिए हैं। वैज़ यतवफ्फल्लज़ीन कफ़रुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम। तो उस्ताद दुक्तूर अदीब शायर अहमदुल बरा इब्न उमर बहाउद्दीन अल अमीरी का इंतकाल हो गया रियाज में मंगल के दिन, 16 अरबिया बुध खमीस जुमेरात, 16 मंगल, मंगल की शाम को, 4 रबीउल अव्वल 1445 मुताबिक 19 सितंबर, सितंबर को एलूल भी कहते हैं। ये तुम याद कर लो जो अंग्रेज़ी के महीने हैं उसके नाम, यनायर फ़रवरी नहीं, ये एलूल तिशरीन, इसके अलग नाम भी अंग्रेज़ी के महीनों, तिशरीन एलूल वो वाले याद कर लो लिखकर, 12 महीने मुझे भी याद नहीं है, याद कर लो, मुझे लिख करके दे देना, जनवरी फरवरी के हिसाब से लिखना ताकि उस हिसाब से याद हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अद-दुक्तूर अहमदुल बराउल अमीरी अदीबुन इस्लामी, डॉक्टर अहमद बरा अमीरी इस्लामी अदीब, असरा मकतबत अल अदब अल अरबी, उन्होंने अदब अरबी के कुतुब खाने को मालामाल कर दिया। असरा ऐसे इस्तेमाल करते हैं आजकल, असरा अल मकतबत अल इस्लामियत बी कुतुबिही अल क़य्यिमा, उन्होंने इस्लामी कुतुब खाने को अपनी कीमती किताबों से क्या कर दिया? मालामाल कर दिया। लेकिन ये इस्तेमाल ये मरजूह है, और मैंने तो तनज़्ज़ुलन मरजूह कहा है, वरना तो मुहक्किकीन ने तो गलत ही बताया है, ये गलत इस्तेमाल है। असरा मालदार होने के मायने में आता है, मालदार करने के मायने में नहीं आता है। किस मायने में आता है? मालदार होना। कौन सी सिफत पाई जाती है इसमें? सैरूरत, इसीलिए मैंने इसको याद किया था, ऐसे बता देता है ना सैरूरत, इसीलिए मैंने कहा था वो बंदा कहाँ गया। सैरूरत कहते हैं, क्या कहते हैं? सैरूरत। ऐ सारा जा सरवतिन औरक शजरु, ऐ सारा शजरु जा वरकिन अस्मरा, ऐ सारा जा समरिन, ऐसे असरा के मायने होते हैं सारा जा सरवतिन, दौलत वाला हो गया। तो ये लोग इस्तेमाल कर देते हैं आजकल, माला माल कर दिया, मालदार कर दिया। हालांकि अरबी में असरा के मायने मालदार करने के नहीं बल्कि मालदार होना, क्या होना? मालदार होना। तो ये लाजिम है, मुतादी नहीं होगा, मकतबता मफूल आएगा ही नहीं इसका सही अरबी के मायने। तो इसकी जगह पर अरबी में कौन सा लफ्ज़ आएगा? अगना। ये तुमने सही बता दिया, अब तुमको भी याद करेंगे, ऐसे कुछ दिनों तक बता दोगे तब। उसने कई बार तो बता दिया था ना, तो उसे याद करने लग गया। अगना आएगा, क्या आएगा? अगना, अगना मकतबतल अदबिल अरबी, क्या इन्होंने अदब अरबी के कुतुब खाने को मालामाल कर दिया। बिशरी ही रसीन, अपने
संजीदा अशार से, ताकतवर अशार से, रसीन माने ताकतवर, संजीदा, मतानत वाले, मतीन, रसोन यरसोन रसानतन फवा रसीन, इबारत रसीना ऐ मतीना, रजीना कविया, अपने पुख्ता अशार से उन्होंने अदब अरबी को मालामाल कर दिया। व किताबाती अदबियत वल इल्मिया, और अपनी अदबी और इल्मी तहरीरों से, अपनी अदबी और इल्मी तहरीरों से, समझ गए। وكان عضوا برابطة الأدب الإسلامية العالمية, اور وہ رکن تھے ادب اسلامی کے رابطے کے, رابطے ادب اسلامی انٹرنیشنل جو رابطہ ہے اس کے کیا تھے, وہ رکن تھے, عضو نے رکن ممبر, اور عضو الهيئة الإدارية لمكتب البلاد العربية بالرابطة سابقا, رابطے کا جو عرب ممالک میں دفتر ہے تو اس کے مجلس انتظامی کے ممبر تھے, حیات اداریہ مطلب اس کے انتظامی کمیٹی, حیات اداریہ انتظامی کمیٹی کے رکن تھے, جو وہاں بلاد عربیہ میں رابطے کے دفتر میں جو انتظامی کمیٹی ہے اس کے رکن تھے, سابقاً سابق میں پہلے پہلے رہے تھے, جیسے کانا استاذن بندوۃ العلماء سابقاً. وکانت لوالده العظیم, ہاں یہ ان کے والد کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا, وہ عمر بحال امیر, وہ مشہور تھے ان کے والد, دیکھا تو نہیں تھا پڑھا تھا نہیں. وكان لوالده العظيم الشاعر الإسلامي عمر بهاء الدين العميري صلة قوية بندوة العلماء, ان کے عظیم والد عمر بهاء الدين عميري جو تھے, یہ احمد بارا ہے, ان کے والد عمر بهاء عميري, تو وہ ندوے سے بڑا تعلق تھا ان کا, ندوے میں آ چکے تھے, وہ ندوے میں تشریف بھی لائے تھے ان کے عمر بهاء عميري, پتہ نہیں کب آئے تھے, ہو سکتا ہے اس میں آئے ہو جو 85 سالہ جشن یا اور کسی موقع پر آئے ہوں, آئے تھے وہ عمر بهاء عميري ندوے میں, تو ان کا ندوۃ العلماء سے ان کے والد کا بڑا تعلق تھا. کانت صلۃ قویۃ بندوۃ العلماء ومسئولیہا, اور اس کے ذمہ داروں سے, اس کے ذمہ داروں سے, ندوے کے ذمہ داروں سے بڑا تعلق تھا. وعلى رأسهم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي, اور ان میں سر فہرست کون ہیں, شیخ ابو الحسن علی ندوی ہیں جن سے ان کا تعلق تھا. على رأسهم کا مطلب سر فہرست. فتقدم ندوة العلماء تعازيها مواساتها الى اهله وذويه, تو ندوة العلماء اپنے تعزیتی کلمات اور اپنی غمخاری کیا جذبات پیش کرتا ہے ان کے اہل تعلق کی خدمت میں, اہل اہلی و ذوی و محبی ہی, اور ان کے محبین اور ان کے دوستوں کی خدمت میں. تعازی تعزیت ان کی جمع ہے, تعازی تعزیت, مواسات من غمخاری. اب ان کی سیرت ذاتی یا موجزہ مختصرا, احمد البرا الامیری پیدا ہوئے 1363 میں, چودہ سو پینتالیس میں انتقال ہوا, 1367 میں کیا ہوا, 1367 میں پیدا ہوئے, تو کتنی ان کی کتنی عمر رہی, 63 سے ادھر کتنے سال ہوئے, 37 سال ادھر اور 45 سال ادھر, تو کتنے ہو گئے, 83 سال, 83 سال
जल्दी जोड़ लिया ना हमने, दो दे ए? क्यों आप बियासी, ठीक बियासी नहीं सैंतीस, हाँ ऐ बियासी तो है, देखो तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो। सैंतीस में दो ही तो बढ़ रहे हैं, पाँच से दो, तो इधर पाँच कम है पैंतालीस में, तो बियासी तो हुए, कंफ्यूज हो रहा है। बियासी साल जी। अदीबुन व शायरुन सूरीयुन, वो अदीब थे और शायर थे, सूर्या के थे यानी शाम के। वदाईयतुन मुरब्बिन, और मुरब्बी थे, दाई थे। वकातिबुन मुतरजिमुन, कातिब थे, मुतरजिम थे, तर्जुमा करने वाले। उस्तादुन जामियुन, यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे। उज़्व राबिततिल अदबिल इस्लामिल आलमिया, और उसके मेंबर थे। इब्नुल कातिबिल कबीर, शायर डिप्लोमासी उमर बहाउद्दीन अलमीरी, डिप्लोमेटिक शायर और अदीब कमीर उमर बहाउद्दीन अमीरी। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होगा, मतलब हुकूमती है, सरकारी है, मतलब तर्जुमानी करते थे गोया के, हुआ हुकूमत की। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ सीरिया सूरिया, लेकिन वहाँ सूरिया में वो है बशार उल असद था ना, हाँ बशार उल असद अभी है वो जी, तो वो फिर उनकी कैसे करते होंगे, ये तो अच्छे आदमी है। अच्छा, इसलिए कि वो तो ठीक आदमी नहीं है जी। तो उमर बहाउद्दीन अलमीरी, विलादत हो दिरासत हो, वलीदा अबू उमर अहमदुल बरा इब्न उमर बहाउद्दीन अलमीरी, फी बलदत करनाइल फी लुबनान, हैसो काना वालिदा हो यकजियान इजाज़त सैफ। ये अहमद बरा 18 शाबान 1363 में, यानी 7 अगस्त 1944 में लुबनान में पैदा हुए। ये लुबनान वही है शाम में जी। तो उनके वालदेन वहाँ गर्मी के मौसम गुजारने के लिए आते थे या गुजार रहे थे उस वक्त। यकजी यानी इजाज़त सैफ, गर्मी की छुट्टी, इजाज़त सैफ कहते हैं गर्मी की छुट्टी। इजाज़तुल बर्द हो जाएगी सर्दी की छुट्टियाँ, उतला के मायने में आ जाता है क्या इजाज़ा। यकजी यानी वो छुट्टियाँ गुजार रहे थे गर्मी की। अल इजाज़त सैफिया भी बना सकते हैं मौसूफ सिफत के साथ, शीताइया भी कह सकते हैं, अल इजाज़त शीताइया, अगर शीताई में होने लगे तो। हसल आला शहादत सानवियत العام الفرع العلم في حلب, सानविया की डिग्री उन्होंने हलब में हासिल की 1963 में। منتسب الى قسم اللغه الانجليزيه في كليه الاداب جامعه دمشق, फिर अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में चले गए कुलियतुल आदा जमीयत दमिश्क में, और वहाँ लिसंस की डिग्री हासिल की 1967 में। फिर दूसरी लिसंस की डिग्री हासिल की कुलियतुल शरिया जमीयत दमिश्क में। अकमला दिरासतुल उलिया फी सऊदीया, सऊदीया में अपनी तालीम मुकम्मल की। दरासा माने तालीम, तालीम मुकम्मल करने के लिए आप क्या ला सकते हैं, दिरासा। दिरासा तो आता है ना कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, तो अकमला दिरासत हो आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तालीम हो के बजाय क्या दिरासत हो, इसलिए कि तालीम तो मैंने सिखाना, और यहाँ मैंने तालीम का मतलब सीखने के मायने में ले रहे हैं उर्दू में तालीम मुकम्मल, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा है, दिरासा। मजिस्टर की डिग्री हासिल की यानी एम ए की, मजिस्टर एम ए मास्टर दिरासत इस्लामिया जामियात मोहम्मद इब्न सऊद में। उनके रिसाले यानी थीसिस का मौजू था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दावत फिल कुरान करीम। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल किया। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी मतलब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में आ गए डॉक्टर,
अरे आ गए होंगे, वो रजिस्ट्रेशन करा के चले गए होंगे, फिर पेश करते रहते होंगे, है ना। और ऐसी डिग्री तो मिल ही जाती है, थोड़ी बहुत बस वो कार्रवाई होती है, मिल लो, लिख करके दिखा दो एक दो बार अपने मुशरिकीन से। तो यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया इन्होंने। अच्छा, वहाँ दिक्कत आ रही होगी, तो ऐसा होता है कहीं आदमी को दिक्कत आती है तो कहीं दूसरी जगह से कर लेता है, वहाँ आसानी से मौका मिल जाता है, किसी को वहाँ दिक्कत आती है तो ऐसा होता है, कोई यहाँ से करता है कोई वहाँ से। वज़ाइफ़ु आमालुहु, उनके जिम्मेदारियाँ और उनके काम। चलो बस, लिसेंस भी डिग्री है, अब कौन सी उसके मुकाबले में क्या आता है, ग्रेजुएशन होता है, मैजिस्टर होता है, मैजिस्टर एमए, और बीए के लिए बक्कालोरिया कहते हैं, बक्कालोरिया, शहादतुल बक्कालोरिया, और एमए के लिए मैजिस्टर कहते हैं। लिसेंस भी एक डिग्री होगी, कोई कोई मरहला होगा, पता नहीं अंग्रेज़ी में क्या लफ्ज़ आता है उसके। अब ये तो आलमी होगी ना इस्तेलाहत, अंग्रेज़ी में भी होता होगा कुछ लिसान कुछ।